हेलो दोस्तों, आज मैं आपको ब्लूमर की ड्राफ्टिंग दूंगी और साथ में इसको सिलना भी सिखाऊंगी। हमें ब्लूमर बनाने के लिए हिप का नाप चाहिए जो हमारा 18 इंच है। इसको बनाने के लिए हमें जो लंबाई और जो चौड़ाई लेनी है, जो हमारी लेंथ रहेगी वो हिप का हाफ रहेगी, जो मतलब 18 बाय 2, 9 इंच हमारी लंबाई हो गई। और हमारी विड्थ जो रहेगी वो भी हिप का हाफ रहेगी, जो वो भी 9 है। प्लस हमें लेंथ में 1.5 इंच ऊपर इलास्टिक के लिए चाहिए, प्लस जमा में 1.5 इंच नीचे इलास्टिक डालने के लिए चाहिए, जो कि हमारा हो गया 12 इंच। अब हमें 12 इंच लंबाई लेनी है और 9 इंच चौड़ाई लेनी है। हमने 12 इंच लंबाई ली है और 9 इंच चौड़ाई ली है, उसमें 1.5 इंच हमने मोड़ने के लिए इलास्टिक के लिए लिया है और साथ ही नीचे भी हमने 1.5 इंच इलास्टिक के लिए लिया है। अब हम उसके बाद यहाँ से यहाँ तक हिप का 12वां हिस्सा लेंगे, मतलब कि 18 को 12 से भाग करेंगे, जो हमारा 1.5 इंच आएगा, जो कि है 1.5 इंच। अब हम यहाँ से यहाँ तक लेंगे हिप का तीसरा हिस्सा और जमा में 1। हिप का तीसरा हिस्सा हो गया 6 3 18, 6 और 1 7। अब हमें यहाँ से यहाँ तक 7 इंच लेना है और अब हम इसका बॉक्स बनाएंगे। अब हमें यहाँ से गोलाई देनी है। गोलाई करने का तरीका, हम इसका हाफ लेंगे, इतना हिस्सा हम यहाँ पे लेंगे और हम इसकी गोलाई कर देंगे आसन की। उसके बाद हमें यहाँ से यहाँ तक 1/2 इंच लेना है। और यहाँ पे हमारी फोल्ड साइड है, ये देखिए। अब हम इसको मोड़ के काटेंगे। अब हम कपड़े के ऊपर पैटर्न को रखकर इसके 2 पीस काटेंगे। अब हमें इलास्टिक काटनी है, तो इलास्टिक को हम इतना लेंगे और इसके हम 2 पीस कर देंगे इस तरह से, देखिए। अब हमें ऊपर के लिए इलास्टिक चाहिए, तो वो हमें इतनी चाहिए, देखिए ये यहां लगेगी। अब हम इस ब्लूमर की सिलाई करना शुरू करते हैं, जिसके लिए सबसे पहले हमें 1.5 इंच मोड़ के सिलाई लगानी है। देखिए, अब हमने 1.5 इंच मोड़कर ये सिलाई लगा दी है। अब हमें सीधी तरफ से फिर से इसमें यहाँ से फोल्ड साइड से 1 पैर की इतनी दूरी पे सिलाई लगानी है। देखिए, अब हम सेफ्टी पिन की सहायता से इस तरह से इलास्टिक डालेंगे। देखिए, अब हमने इसमें नीचे छोटी इलास्टिक को डाला है और इस तरह से इन दोनों इलास्टिकों के सिरे पकड़ लेंगे। सिरे पकड़ने के बाद अब हम सीधी तरफ से इन दोनों को मिला के इसमें गुम सिलाई करेंगे। गुम सिलाई करने के लिए सबसे पहले हमें सीधी तरफ से सिलाई लगानी होती है, फिर हम उल्टी तरफ से सिलाई लगाते हैं। देखिए, अब हमने इलास्टिक को डालकर सीधी तरफ से बाहर से सिलाई लगा दी है। अब हम इसको उल्टी तरफ से यहाँ से 1 पैर की दूरी पर सिलाई लगाएंगे। देखिए, अब हमने ये उल्टी तरफ से सिलाई लगा दी है। अब हम इन दोनों पैरों को एक साथ करेंगे। एक साथ करने के बाद हम इन दोनों सिलाइयों को मिलाएंगे और एक का रुख इस तरफ करेंगे और एक का इस तरह से हम दोनों को बीच का मिलाकर और हम सीधी तरफ से सिलाई लगाएंगे। ये सिलाई पूरी राउंड में आएगी। देखिए, अब हमने ये सीधी तरफ से इस तरह सिलाई लगा दी है। अब हम इसको उल्टा करके और इसको इस तरह से मोड़ के अब हम यहाँ से 1 पैर की दूरी पे वही उसी जगह पे दोबारा सिलाई लगाएंगे। अब हमने यहाँ पे सिलाई लगा दी है। अब आप ये देखिए ना, सीधी तरफ से भी कितनी अच्छी फिनिशिंग है और उल्टी तरफ से। अब हमें यहाँ पे इंटरलॉक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब हमें उसके बाद ऊपर से 1.5 इंच को मोड़ना है। मोड़ने के बाद पूरी राउंड में सिलाई लगानी है। सिलाई को लगाने से पहले हम यहाँ पे थोड़ा थोड़ा हिस्सा छोड़ देंगे ताकि हम इलास्टिक आसानी से डाल सकें। देखिए, अब हमने इसको राउंड में सिलाई लगा दी है और एक जगह से हमने यहाँ पे थोड़ा सा छोड़ा है जिससे हमारी इलास्टिक आसानी से जा सके। अब हमें देखिए, जैसे हमारी फ्रिल नीचे बनी है इसी तरह की फ्रिल ऊपर बनेगी। उसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे इतनी दूरी पे एक सिलाई को लगाना होगा। पूरे राउंड में हम इस सिलाई को लगाएंगे।
देखिए अब हमें इसे लास्ट में लास्टिक डालनी है। लास्टिक डालने के लिए आप देखिए इसी तरह से डालेंगे और इसको डाल के दोनों लास्टिक को मिलाकर सिल देंगे। देखिए ब्लूमर बनने के बाद कितना सुंदर लग रहा है। साइडों में इसकी जो छोटी छोटी फ्रिल निकली हुई है वो कितनी सुंदर लग रही है। अगली वीडियो बेबी शर्ट की आएगी तो आप मेरे साथ बने रहें। आखिर में मैं यही कहना चाहूंगी कि आपको मेरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू और मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।